करनी है, ये हमारी छठी क्रीम है, ये होगी स्टील में। इसको ओपन कर लेना आपने। इसकी जो क्वालिटी रखनी है वो भी हमने हाफ रखनी है। ये जो टोटल फार्मूला है ना, ये हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है और अभी दोबारा बता देते हैं, ये वाइटनेस के लिए है। और ये आप जब ये जितनी मैं क्वालिटी अभी बना रहा हूँ, यानी कि ये क्रीमों के अंदर से क्वालिटी निकाल रहा हूँ, ये आपकी एक से डेढ़ मंथ की जो है ना आसानी तरीके से जो है ना क्रीम बन जाएगी। तीन अदद हमने पहले क्रीमें ऐड की थी, तीन अदद अभी ऐड कर ली हैं, तो अब हम इनको ना मिक्स करेंगे। इसमें जो दो क्रीमें वो नॉर्मल है, यानी कि ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। एक अदद जो क्रीम है वो थोड़ी हार्ड है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा इसको जो ना हमने थोड़ा सा जो ना अपना हाथ, यानी कि ये जो फिंगर है, इसको थोड़ा टाइट इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्मार्ट की लाइफ। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वापस होंगे। तो आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैर वापस हूँ। तो आज की ये जो हमारी वीडियो ना, ये चेहरे के मुतल्लिक है, मतलब कि एक इंतहाई आसान नुस्खा हम आप लोगों के लिए देखे हैं कॉस्मेटिक के मुतल्लिक। तो अगर आपने ये हमारी वीडियो मुकम्मल देख ली, हमारा नुस्खा मुकम्मल जान लिया, तो आप जो है ना कॉस्मेटिक में बहुत ज़बरदस्त, सस्ता और आसान तरीके से जो है ना एक नुस्खा अपने घर पे बना सकते हैं। तो इसी बात को और इसी नुस्खे को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी दोस्त की दुकान पे आया हूँ। तो दोस्त की दुकान का विज़िट भी आप लोगों से करवाऊँगा और इस नुस्खे के मुतल्लिक चंद बातें अपनी भी करूँगा और अपने दोस्त की भी चंद बातें करूँगा। तो दोस्तों शॉप पर मैं पहुँच चुका हूँ, तो अब मैं भाई से आपकी कुछ पूरी करवाता हूँ और उनकी शॉप कहाँ है ये भी आपको बताऊंगा उस पर एक क्वेश्चन से, और साथ में जो हमारा ये जो कॉस्मेटिक का जो नुस्खा है इसके मुतल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम जो है ना आप लोगों को बताएंगे। तो हम जो है ना आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते, तो डायरेक्ट ही आपको जो है ना भाई की तरफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी शॉप कौन सी है। तो दोस्तों भाई की जो शॉप का एड्रेस है वो हमने आपको बता दिया, तो उनके पास विजिट कीजिएगा जो भी इस वीडियो के तवसम से हमारे इस एरिए के विजिट होगा। तो अब फाइव भाई आपसे मेरा ये सवाल है कि आप कितने साल से इस फील्ड में हैं। बेसिकली कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड को 14 साल हो गए, लेकिन अपनी शॉप के लिए तकरीबन 7 साल हो गए। तो दोस्तों इनका जो एक्सपीरियंस है वो 14 साल का है कॉस्मेटिक के मुतल्लिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना वो भी तकरीबन 13-14 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम दोनों के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आज हम अपनी इस वीडियो में जो है ना आप लोगों को बेहतरीन नाइट क्रीम जो है ना वो बनाने का तरीका और कौन कौन सी जो उसमें क्रीम इस्तेमाल होगी वो फाइव भाई अपने तजर्बे से और अपनी राय से जो है ना आप लोगों को बताएँ। दोस्तों आज आप लोग को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि वाइटनिंग क्रीम और ये क्रीम ऐसी होती है कि इसमें एक फार्मूला बनता है डेढ़ सौ। फार्मूला तो बहुत महंगा भी बनता है, लेकिन अगर आपने घर में ना फार्मूला बनाना है तो उसके लिए चंद क्रीमें मैं आपको बताऊँगा वो आपको लेनी है। उससे पहले जो है उसके अंदर आपने क्रीम कोई भी ले लें, अगर आजकल जो है गोल्डन पर क्रीम ज़्यादा चलती है, तो ये वाइटनिंग के लिए क्रीम बहुत अच्छी क्रीम है, लेकिन शर्त ये होगी कि एक नंबर होनी चाहिए। हाँ ये शर्त है भाई जान, एक नंबर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा दो नंबर भी मिलती है, तो लोग ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, तो उसका रिजल्ट फिर आता नहीं। भी कहते हैं कि क्रीम के अंदर रिजल्ट, जैसे क्रीम के अंदर रिजल्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट एक नंबर होनी चाहिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फाइक भाई इसकी निशानी क्या है कि एक नंबर की। इसके पैकिंग का भी फर्क होता है, अंदर जो है मटेरियल का खासतौर पर फर्क होता है, बाज़ पैकिंग तो सेम भी आ जाती है लेकिन अंदर जो क्रीम होती है क्रीम का जो है स्मेल का फर्क आ जाता है। बास क्रीम ऑयली होती है, बास पर क्रीम ऑयली नहीं होती, इस पर जो ना वो एडजस्ट करना होता है, लेकिन ये जब हम भी कर सकते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, आम बंदा नहीं कर सकता। नंबर आपने एक गोल्डन पर लेनी है, ये फेयरनेस क्रीम होती है, इसमें अगर आपने कोई और क्रीम ऐड करनी है फेस वेश कर सकते हैं, इसमें छोटी क्रीम भी होती है ये बड़ी क्रीम भी होती है, लेकिन आपको छोटी क्रीम देखोगे हमने लाइट सा फार्मूला बनाना है और सस्ता फार्मूला बनाना है। अच्छा ये दो क्रीम होगी फेयरनेस के लिए, वाइटनिंग के लिए, उसमें आपने जो है एक्सपीरियंस क्रीम जो है ये भी ऐड करनी है। स्टेनलेस क्रीम जो है एक ऐसी क्रीम है कि ये हर क्रीम में डलती है, लेकिन उसके अलावा भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये फेयरनेस क्रीम होती है, ये वाइटनिंग के लिए है, ये फेयरनेस के लिए है।
ये है। इसके अलावा जो है अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह है या दाने वगैरह है तो उसके लिए आप जो है बेटनोवेट क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटनोवेट क्रीम भी है, उसके अलावा हेडनोस क्रीम जो है ये भी क्रीम होती है। ये अगर आपके चेहरा रेड सा रेडिश करना होता है उसके लिए होती है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एक ही क्रीम होती है आर्ची क्रीम, ये भी आपने ऐड कर दी है। ये ओरिजिनल क्रीम है, इसमें कॉपी भी आती है, कॉपी सस्ती होती है लेकिन ओरिजिनल जो होती है महंगी होती है। एक ये आर्ची क्रीम है, उसके अलावा जो है एक योको क्रीम जो है वाइटनिंग क्रीम योको जो है ये भी आपने ऐड कर दी है। ये है थाईलैंड की क्रीम, इसमें लोकल भी आती है शामी के लिए, ये वाइटनिंग के लिए स्पेशल मेरी फार्मूली के अंदर। उसके अलावा आपने जो ना कैप्सूल जो है दो तीन चार जितना भी आपके फार्मूला है उसके हिसाब से आपने जो कैप्सूल ऐड करना है, इसमें दो तीन घूमने डालेंगे, तीन कैप्सूल इसके अंदर हमने ऐड करना है। और ये फार्मूला आप घर में बैठ कर बना सकते हैं, एक बाउल से लेके उसके अंदर आपने बनाना है और उसको आपने रात को अप्लाई करना है। रात को अप्लाई करने का ये फायदा होता है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो अपने चेहरे को साफ कर लगा के आपने सो जाना, क्योंकि आपकी सारी रात आपके स्किन के अंदर जज्ब होती रहेगी। जब ये जज्ब हो जाएगी तो इसका रिजल्ट और अच्छा निकलेगा। और सुबह को आपने को अच्छा से फेस वॉश लेंगे, कोई साबुन वगैरह लेके उसे अपने फेस वॉश करना है और इंशाल्लाह आपका 10 दिन के अंदर आपको बेहतरीन रिजल्ट। प्यारे व्यूवर्स, भाई का जो 13-14 साल का एक्सपीरियंस था वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जो है ना इंतहाई मुनासिब कीमत में और इंतहाई ज़बरदस्त नुस्खा जो है ना आप लोगों को अपनी शॉप का सस्ता तरीन नुस्खा बताया हुआ है। तो इनसे जो है ना हमने नुस्खा तो ले लिया है, अब इसको कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो मैं दोबारा कहूँगा, अगर करीबी कोई भी है हमारे व्यूवर्स में से तो भाई की दुकान पर लाजमी विजिट कीजिएगा, क्योंकि आपने इनकी मुकम्मल गुफ्तगू भी सुन ली है और ये जो फार्मूला है इंतहाई मुनासिब जो है ना आप लोगों को हम बनाने का तरीका जो है ना यहाँ तक बता चुके हैं, मतलब करीमे की जो वैराइटीज़ है। अब इसको जो बनाने का तरीका वो मैं आपको खुद बना के प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी ये जो वीडियो यहाँ तक आपको लाजमी पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह ये हमारी वीडियो का जो पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो उसको बनाने का तरीका वो भी मैं आप लोगों को बना के वो भी अपने कौन उस्मान TY370 पर बहुत जल्द अपलोड करूँगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे आपको इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ या कोई नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।